आइए दोस्तों बताते हैं आपको हम विभिन्न तरह के प्राणायाम के बारे में। सबसे पहले आपको देख लीजिए कैसे बाबा रामदेव कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में पहले बताते हैं, विधि कैसे करें, अन्य नाम, धोकनी, विवरण। भस्त्रिका प्राणायाम में मुख्य रूप से गहरी सांस लेनी होती है। सांस पूरी अंदर लेनी होती है और बाहर छोड़नी है। बाहर छोड़ते वक्त ज़ोर से छोड़ें। कैसे करें, एक आरामदायक आसन में सीधे बैठें, दोनों नाक के माध्यम से गहरी सांस लें और तेज़ी से सांस छोड़ें। सांस पेट के माध्यम और निचले भाग के इस्तेमाल से नाक के माध्यम से छोड़ें। इसे 4 से 10 बार कर सकते हैं। लाभ और सावधानी, भस्त्रिका करने से फेफड़ों के लिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह श्वसन प्रणाली के विकारों को हटा देती है, दक्षता में सुधार और चेतना की शुद्धता को बढ़ाती है। शरीर में गर्मी पैदा करता है और भूख बढ़ जाती है, बलगम नष्ट कर देता है। भस्त्रिका पाचन तंत्र, मधुमेह, साइनस आदि के लिए उपयोगी है। सावधानी, आप धोकनी की अपनी प्रारंभिक प्रैक्टिस में श्वास बहुत दूर धकेलने से प्रलोभन से बचें। इसे अधिक मात्रा में करने से चक्कर आना, कुनिंदापन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। कपालभाति, देखिए जैसे बाबा रावदेव कैसे कर रहे हैं। मेरी योगा के सबसे बड़े आइकॉन। विधि कैसे करें, अन्य नाम, कपाल उदय, सांस, ललाट, मस्तिष्क शोधन, कपालभाति, कपालभाति। विवरण, कपालभाति दो शब्दों से बना है, कपाल यानी मस्तिष्क, सिर और भाति यानी चमक। यह प्राणायाम मुख्य रूप से मस्तिष्क और मस्तिष्क के तहत अंगों को अच्छी तरह से प्रभावित करता है। कैसे करें, पद्मासन में बैठें। पद्मासन, पैर पे पैर चढ़ा के या फिर वज्रासन एक होता है जिसमें मुसलमान भाई लोग नमाज पढ़ते हैं, उस आसन में पद्मासन में बैठें। पेट के निचले हिस्से से हल्का झटका अंदर की ओर दें और सांस नाक से बाहर छोड़ें। फिर पेट ढीला छोड़ दें, फिर हल्के झटके से सांस बाहर फेंकें। इस तरह से लयबद्ध तरीके से करिए। लाभ, यह आपको स्फूर्तिदायक बनाता है, शरीर में गर्मी पैदा करता है, बीमारी और एलर्जी से बचाता है। सावधानी, आप आम व्यक्ति इसे 200 बार कर सकते हैं, इस संख्या में वृद्धि करना उचित नहीं है। दिल और फेफड़े की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को, मरीजों को विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही यह अभ्यास करना चाहिए। रक्त परिसंचरण, ब्लड प्रेशर भी से पीड़ित लोगों को बहुत सावधानी से प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, उन्हें भी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में यह अभ्यास करना चाहिए। वायु प्राणायाम, देखिए बाबा रामदेव कैसे कर रहे हैं। विधि कैसे करें, विवरण, इस प्राणायाम को करते समय फेफड़े से हवा पूरी तरह से बाहर होती है, इसका नाम वायु प्राणायाम। कैसे करें, अपनी नाक के माध्यम से गहरी सांस लें, पूरी सांस बाहर छोड़ दें। अपने शरीर से हवा पुश करने के लिए अपने पेट और डायाफ्राम का प्रयोग करें। डायाफ्राम वहाँ से यानी पेट से हमारे गले के बीच में जो पाइप महाकार आता है उसे बोलते हैं। यह सांस छोड़ना किसी भी तरह से आपके लिए असहज नहीं होना चाहिए। अपने सीने को अपनी ठोड़ी स्पर्श कराएं और पूरी तरह से अपने पेट को अंदर और थोड़ा ऊपर की ओर खींच लें। इस स्थिति को लंबे समय के लिए आरामदायक तरीके से करने के लिए अपनी सांस पकड़िए, फिर अपनी ठोड़ी धीरे से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे सांस लें। आपके फेफड़े को पूरी तरह से हवा से भर लें। आपके इसे 3 से 5 बार दोहराएं। लाभ और सावधानी, लाभ, पेट, हार्निया, मूत्रालय, गर्भाशय, गुर्दे की समस्याएं, मूत्रालय समस्याओं और सेक्स से संबंधित समस्याओं से लाभ होता है। सावधानी, आम व्यक्ति पहले 2 मिनट के लिए करे, फिर 5 मिनट तक करना शुरू कर देना चाहिए। दिल और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित मरीजों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन में ही यह करना चाहिए। अनुलोम विलोम, देखिए बाबा रामदेव कैसे कर रहे हैं। विधि कैसे करें, अन्य नाम, वैकल्पिक नथुने श्वास। विवरण, इस प्राणायाम में सांस नसिका की मदद से नियंत्रित किया जाता है। यह एकाग्रता और विचारों के उच्च स्तर को पाने में मन को प्रोत्साहित करता है, भौतिक शरीर को अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन देता है और अपने तंत्रिकाओं को शांत और रक्त परिसंचरण में सुधार में मदद करता है। कैसे करें, अंगूठे के साथ अपने दाहिनी नासिका पकड़िए और बाईं नासिका के साथ सांस लीजिए। अब अनामिका उंगली को रिंग फिंगर कर दें जिसमें सगाई की अंगूठी पहनाई जाती है। अब अनामिका उंगली से बाईं नासिका को बंद करो और दाहिनी नासिका खोलिए, सांस बाहर छोड़िए। अब दाहिनी नासिका से ही सांस लीजिए, फिर दाईं बाईं नासिका खोलिए और
सांस बाहर छोड़िए, जिस नासिका से सांस बाहर छोड़ते हैं उसी से अंदर लेना है लाभ। दिल की समस्याएं, उच्च रक्तचाप, तुला स्नायु बंधन, पक्षाघात, तंत्रिका संबंधित अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, साइनस एलर्जी, अनुलोम विलोम से ही ठीक किया जा सकता है। सावधानी, यदि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं तो आराम से और पीड़ थोड़ा किया जाना चाहिए। उच्च रक्तचाप के मरीजों को सांस थामे रखने से बचना चाहिए। ब्राह्मणी प्राणायाम, देखिए बाबा रामदेव कैसे करके दिखा रहे हैं। अन्य नाम नाक खर्राटे, इसे अंग्रेजी में वाइब्रेशन भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम ब्राह्मणी भी है क्योंकि इसमें भोरे जैसा आवाज़ निकलता है। विवरण, इस प्राणायाम का नाम ब्राह्मणी है क्योंकि इसमें भोरे जैसा आवाज़ निकालते हैं। किसी आसन मुद्रा में बैठ जाए या वज्रासन या पद्मासन में अपनी उंगलियाँ आँखों पर रख कर आँखें बंद कर लें। आँखों पर दबाव ना पड़े इसका ध्यान रखें। अंगूठे से कान बंद कर लें। अब सांस अंदर लेकर एक मधुमक्खी की तरह गूंज करिए, जैसे ध्वनि बनाते हुए नाक के माध्यम से सांस छोड़िए। 5 से 10 राउंड कीजिए। लाभ और सावधानी, लाभ, मूड फ्रेश होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसे करने से योगी ध्यान में सफलता मिलती है। विधि कैसे करें, उद्दीत प्राणायाम विधि कैसे करें। अन्य नाम सांस जाप, सांस ओम उच्चारण। विवरण, भगवान ने इस शरीर और इस ब्रह्मांड को ओमकारा के रूप में बनाया है। ओमकारा एक विशेष व्यक्ति या कोई आंकड़ा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को संनियंत्रित करती है। ओम का जाप करने से आप ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करें, नाक से गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। एक सांस में एक ओम का उच्चारण करें शांति से और जितना लंबा हो सके ओम का उच्चारण करें। 3 बार दोहराए। लाभ और सावधानी, लाभ, ध्यान मन की शांति और समृद्धि प्रणय कि बाबा रामदेव कैसे करें। विधि कैसे करें। अन्य नाम ओम का ध्यान। विवरण, सभी प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान सांस पर केंद्रित करें और ओम का स्मरण करें। शुरुआत में सांस का घर्षण नाक की नोक पर महसूस किया जाता है। एक दर्शक बन अपने आप को देखिए। गहरी सांस लें और सांस इतने धीरे लें कि आपकी आवाज़ भी न हो, उसकी आवाज़ भी ना हो, क्योंकि कोशिश करें कि सांस इतनी धीरे लें कि अगर नाक के सामने रुई का टुकड़ा भी रख दें तो वे हिले भी ना। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने का प्रयास करें और 1 मिनट में एक ही बार सांस लेने का प्रयास करें। इस प्रकार सांस पर ध्यान केंद्रित करें। कैसे करें, अपनी आंखें बंद करो और शांत मन में बैठ जाओ। स्वाभाविक रूप से सांस लो, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और भगवान के बारे में सोचिए। भगवान ने ओम आकार में हमारी भौहें, नाक, आँख, कान, होंठ, दिल आदि बनाए हैं। हर कण में भगवान की उपस्थिति की कल्पना कीजिए और ध्यान करिए। अवधि 2 से 3 या अधिक। सावधानी, शारीरिक गहरी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा। प्राणायाम शारीरिक का विकारों पर काबू पा अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देता है और भक्त आध्यात्मिकता की राह पर आगे बढ़ता है। एक दर्शक के रूप में हम सांस की लयबद्ध प्रवाह पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं तो प्राण स्वचालित रूप से सूक्ष्म हो जाता है और 10 से 20 सेकंड में एक बार सांस लेते हैं और 10 से 20 सेकंड में सांस छोड़ते हैं। लंबे समय तक अभ्यास के माध्यम से योगी 1 मिनट में एक सांस लेता है। प्राणायाम ऊपर दिए गए प्राणायाम करने के बाद किया जाता है, जो भी विपस्सनाया या प्रेक्षा ध्यान का स्वरूप है, दूसरा रूप है, या पूरी तरह से ध्यान पर केंद्रित है। हर एक को प्राणायाम करना चाहिए। योगी समय की उपलब्धता के अनुसार घंटों तक प्राणायाम करते हैं। इस प्रक्रिया में सांस लेने की कोई आवाज़ नहीं आती और इस शांतिपूर्ण प्रक्रिया से साधक मन की गहराई में चला जाता है, जहाँ उसकी इंद्रियां मन में समा जाती है। मन प्राण में और प्राण आत्मा में, और आत्मा से साधक परमात्मा का अनुभव करता है। आप अपनी सांसों पर जितना काबू पा सकें उसके हिसाब से ही आप अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। जैसे कछुआ 1 मिनट से 2 से 3 बार में ही सांस लेता है तो 250 से 300 साल जीता है। मनुष्य 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है तो उसका एवरेज लाइफ 70 से 75 है। एक कबूतर 25 से 30 बार सांस लेता है 1 मिनट में तो उसकी आयु 10 से 15 साल होती है। तो इसी तरह अगर इस योग का अभ्यास करते हुए अगर 1 मिनट में अगर एक सांस ले सकते हैं तो आप अपनी इच्छा मृत्यु की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी आपकी मौत आपके इच्छानुसार ही आएगी। ओके, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल खानाबदोश नुमैदी को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे
लाल बटन और बगल में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।